कोरियन फिल्म के रीमेक में होंगी कटरीना, फिर करेंगी शाहरुख और आनंद एल राय संग काम। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ इन दिनों खूब चर्चा में है। एक तो कटरीना कैटरीना कैफ ने बीते दिनों ही अपना मेकअप लाइन के बाई कटरीना लॉन्च किया और दूसरी ओर वो अपनी आने वाली फिल्मों में भी बिजी हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर कटरीना आने वाले वक्त में सूर्यवंशी के अलावा और किस फिल्म में देखेंगी। दरअसल कटरीना के पास इस वक्त एक ही फिल्म है और वो है सूर्यवंशी। इस फिल्म में कटरीना अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। हालांकि उनको लेकर खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही आने वाले दिनों में भी कई फिल्मों में देखेंगी। हाल ही में खबर आई है शाहरुख खान और डायरेक्टर आनंद एल राय जीरो के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और आनंद एल राय का कलर येलो प्रोडक्शंस एक फिल्म के लिए हाथ मिला रहा है। ये एक फीमेल हीरो वाला प्रोजेक्ट होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसी प्रोजेक्ट में कटरीना कैफ पहली लीडिंग लेडी बनेंगी। कटरीना ने भी फिल्म के लिए हाँ कह दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कैटरीना कैफ, जो आखिरी बार सलमान खान के साथ भारत में देखी गई थी, वो अब कोरियाई क्राइम कॉमेडी मिस और मिसेज कॉप्स के हिंदी रीमेक में एक्शन अवतार में नजर आएंगी। फिल्म में दो हीरोइंस होंगी और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अनिरुद्ध गणपति इसे डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक आनंद एल राय के साथ काम किया है। अफसोस की बात है कि शाहरुख सिर्फ निर्माता के रूप में फिल्म का हिस्सा होगा। ऐसी अटकलें लगाई जाती रही हैं कि विद्या बालन फिल्म में दूसरी एक्ट्रेस होंगी। हालांकि अभी कंफर्म कुछ नहीं है। अब इस फीमेल कॉप प्रोजेक्ट का ऐलान कब होगा और कब ये फिल्म आएगी, इसका इंतजार तो फिलहाल सबको ही है।